वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू की सूखी सब्जी, जो कि कैसे हम बनाएं कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो घर में हरी सब्जियां ना हो तो ऐसे सुबह सुबह हम बना के बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। तो हमने पहले कढ़ाई चढ़ा दिया है और तेल गर्म होने पर उसमें जीरा, एक तेज़पत्ता, हरी मिर्च कटा हुआ तीखे के अनुसार डालें, क्योंकि बच्चे को पसंद ज़्यादा तीखा नहीं होता है, कम भी कर सकते हैं तीखा। लहसुन की 2-3 कलियां हैं जो कि मैंने काट कर डाल दिया है, और प्याज मैंने 2 प्याज मैंने डाले हैं छोटे वाले, और इसे भूरा कलर में इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर मेरा प्याज भूरा कलर हो गया है तो अब मैं इसमें आलू, कटा हुआ आलू मैं इसमें ऐड कर देते हैं। 2 मिनट तक हम इस सब्जी को भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, कोई भी सब्जी हो, कोई भी सब्जी हम बना रहे हैं तो धीमी आंच पर ही बनाएं ताकि उसका स्वाद हमें आए। धीमी आंच पर पकने वाला सब्जी का स्वाद अलग ही होता है। 2 मिनट हमारा हो गया है, अब इसमें मैं नमक को ऐड कर दूंगी। नमक जो कि पानी मेरा छोड़ेगा इसमें सब्जी में, तो स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। डालने के बाद फिर से इसे चला लेंगे। बस 1 मिनट के लिए चलाकर इसके बाद इसे ढक देंगे, क्योंकि ये पानी छोड़ रहा है थोड़ी देर, तो इसे थोड़ा सा छोड़ने देते हैं पानी। साथ साथ आलू भी थोड़ा पक जाएगा आधी। तो यहाँ पर देखिए पानी एक बूंद भी नहीं बचा है, तो इसमें अब मैं मसाले को ऐड कर दूंगी 2 मिनट भूनने के बाद। तो यहाँ पर मैंने मिलाया है 1 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर, आधी चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर, और ये आधी चम्मच मैंने गोल के जीरा का पाउडर डाला है, यानी कि काले मिर्च और जीरा का पाउडर मैंने डाला है बस। और इसके बाद अगर आपके पास मैगी मसाला है तो 1 चम्मच आप मैगी मसाला डाल दो इसमें, बहुत ही टेस्ट इसका बढ़ जाता है आलू का। तो चलिए मेरा यहाँ पर अच्छे से इन सब्जी को भून लेते हैं पहले। तो इसे 5 मिनट तक भूनने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। तो याद रहे कि यहाँ पर मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ, तो सूखी सब्जी जब भी बनाएं तो दम थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, ताकि क्योंकि आधी मेरी सब्जी पक गया है और आधी इसे पकाना है, तो थोड़ा सा पानी ही डालेंगे इसमें बस। और इसे चला लेंगे हल्का, और हल्का चलाने के बाद इसे हम अब ढक देंगे और धीमी आंच पर इसे पकाएंगे। मैंने पहले भी कहा कि धीमी आंच पर पका हुआ खाना बहुत ही स्वाद होता है, मीठी आंच पर बहुत ही स्वाद लगता है खाना। कुछ भी बनाएं तो आंच को धीमी करके ही बनाएं। तो चलिए मैं यहाँ पर ढक दी हूँ और 5 मिनट के बाद इसे देखती हूँ। तो ये देखिए हमारा सूखी सब्जी तैयार है, बिल्कुल ही मज़ेदार, और बच्चों को बहुत पसंद आती है ये सूखी सब्जी। आप इसे रोटी के साथ भी बना सकते हैं, पराठा भी बना सकते हैं, पूरी के साथ, चावल के साथ भी आप खा सकते हैं ये सूखी सब्जी, बहुत ही अच्छा लगता है। सादी रोटी के साथ भी ये खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह सुबह अक्सर हमारे घर में हरा सब्जी नहीं होती तो सोचते हैं क्या बनाएँ क्या बनाएँ, तो ये सूखी सब्जी आप बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीका से बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। कम मेहनत में भी ये आप बनाकर बच्चों को टिफ़िन में पैक कर सकते हैं, बिना मेहनत के ये खाना है। और चलिए वीडियो को एंडिंग करते हैं। ये आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।